हार्ट अटैक का और एक्सीडेंट का डर, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक लड़का मेरे पास में है, 26 साल का अंदाज, तो उसमें उसको प्रॉब्लम था कि भाई मुझे अटैक आ जाएगा, दिल का दौरा पड़ेगा और मैं मर जाऊंगा। और दूसरा उसको डर था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अब ये दोनों डर से वो बाहर निकलता ही नहीं था, बाहर ही निकलना, घर के बाहर जाना ही नहीं। उस डर था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं बाइक तो बिल्कुल चलाता नहीं, कोई व्हीकल में बैठेगा नहीं, कार में बैठेगा नहीं, कोई व्हीकल में नहीं, बड़ी मुश्किल से पैदल जाएगा और कुछ खरीदना है सामान सामान तो वापस आ जाएगा, कॉलेज जाना बंद। पिछले 4 साल से भयानक डर से वो घर में बैठा हुआ है। उसके वजह से उसको काफ़ी सारा टेंशन, बहुत घबराहट, बेचैनी, नर्वसनेस, उदासीनता। बोले मैं रोज मर रहा हूँ, रोज मुझे मौत क्यों नहीं आती, मौत नहीं आ रही है, डर भयानक है। उसको लगता है कि मौत आ गई तो अच्छा है, कम से कम मैं मतलब यहाँ से छुट जाऊँगा, यहाँ से, ऐसा उसको लगता है। उसको पूछा मैंने तो मालूम पड़ा कि 4 साल पहले उसने एक्सीडेंट देखा, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके सामने कार ड्राइवर जगह पर ख़त्म हो गया। बाद में उसको लगा कि वो अपना भी ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है और अपन भी मर सकते हैं, इसलिए उसने सब व्हीकल चलाना बंद कर दिया। बाद में उसको मालूम पड़ा कुछ दिन बाद में कि जो कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, बोले उसको दिल का दौरा पड़ा एक्चुअली, और इसलिए वो उसका एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसका दूसरा चालू हो गया अभी कि भाई मुझे भी दिल का दौरा पड़ सकता है, मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है और मैं मर सकता हूँ। अब दिल का दौरा पड़ेगा या दिल का दौरा आ सकता है तो वो प्रॉब्लम है क्या उसके लिए, वो जगह जगह पे जा रहा है, डॉक्टरों के पास में जा रहा, कार्डियोग्राम निकाल रहा, 2D को निकाल रहा, एंजियोग्राफी कर रहा, सब जगह जाके देख रहा है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है क्या। सब डॉक्टर उसको बोल रहे कि कुछ नहीं है, और तभी भी उसका मतलब दिल को सुकून नहीं आ रहा है और बोलता कि नहीं मैं मर जाऊँगा। व्हीकल उसने चलाना बंद कर दिया, कोई व्हीकल से जाना नहीं, आना नहीं, कोई ट्रैवल नहीं करना, बड़े मुश्किल से बाहर गए तो पैदल बाहर जाना, घर पर वापस आना, सीखने के लिए कॉलेज में जाना बंद, कुछ जाने का नहीं, और 4 साल से बोला ऐसा जीवन जी रहा है कि मैं रोज मर रहा हूँ। उसने काफ़ी सारे लोगों को बताया था, बहुत सारी फाइल्स उसके पास में थी, बहुत सारे ड्रग्स मेडिसिन उसमें लिए थे, मगर उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। अब उसको जो था वो था डेथ फोबिया ड्यू टू हार्ट अटैक, मतलब मरने का डर हार्ट अटैक की वजह से या दिल के दौरे की वजह से, और दूसरा एक्सीडेंट के वजह से मैं मर जाऊँगा। ऐसे दो प्रकार मतलब उसके कारण थे कि डर उसके बैठ गए और मेरा मृत्यु हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं, ऐसे डर बैठे हुए। तो उसको मैंने फिर तपासा, उसको जांच किया, तब सब नेचुरल नॉर्मल था। उसको मैंने भाई आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक में सिखाता हूँ, तो उसको विजुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन में डिसेंसिटाइजेशन उसको मैंने सिखाया। धीरे धीरे ये भी सिखाया कि भाई डिसेंसिटाइजेशन खुद को कर, ताकि समझो अभी मतलब उसमें करते क्या है कि समझो भाई कार दिख रही है तो कार सिर्फ दूर से देखना, फिर कार के पास में जाके खड़े हो जाना, फिर कुछ दिन बाद में कार में सिर्फ बैठना, फिर कुछ दिन बाद में कार थोड़ी सी चलाना, ऐसा स्टेप बाय स्टेप उसको जरा बड़ा 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 काम देते रहते, काम बढ़ाते रहते, उसकी उसका जो मतलब ये जो उसकी स्टेप बाय स्टेप उसको काम थोड़ा कठिन करते जाना, ताकि धीरे धीरे उसका फोबिया निकल जाएगा। उसको मैंने विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन हिप्नोटिज्म की अवस्था में, स्वसम्मोहन की अवस्था में सिखाया, सेल्फ हिप्नोसिस उसको सिखाया, और उसको ये सिखाया कि भाई तू ट्रैवल कर रहा है, सफ़र कर रहा है, यात्रा कर रहा है, और उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंटली तू यात्रा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और वो यात्रा कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ऐसे उसको इमेजिनेशन करने लगा है। कुछ मेडिसिन उसको दिए कि जो मेडिसिन की वजह से उसको एंग्जाइटी कम हो गई, डिप्रेशन था उसके लिए एंटी डिप्रेशन दिए। उसके 8 सेशंस मेरे होने के बाद में उसको काफ़ी रिलीफ हो गया और बोले अभी मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, मुझे अभी डर पूरा निकल गया है, मैं बाइक पे जाता हूँ, कार में जाता हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और उसका डर जो था, उसका जो फोबिया बैठा हुआ था, धीरे धीरे निकल गया। जैसे बहुत सारे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है उनको मालूम नहीं है कि वे साइकियाट्रिस्ट के पास में जाके इसका इलाज हो सकता है। डॉक्टर इतना ही बोलते हैं कुछ भी हुआ नहीं है, कुछ चिंता मत करो, कुछ भी तो खराब ही नहीं है हार्ट में, जाओ आराम करो, ऐसा बोल देते। वो भी साइकियाट्रिस्ट के पास में रेफर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास में मैं बोलूँ तो पेशेंट बोलेगा कि मैं क्या पागल हो गया क्या, इसलिए वो भेजते नहीं।
तो ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को फायदा हो जाएगा, लोग अपना अपना इलाज कर सकेंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।